हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे साइड बॉक्स की। भाई जेनुइन साइड बॉक्स, आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर सिर्फ जेनुइन प्रोडक्ट की ही अनबॉक्सिंग डालता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी जेनुइन प्रोडक्ट ही यूज़ करें। तो भाई, काफ़ी दिन से एक कमेंट्स आ रही थी मेरे पास कि साइड डिग्गी, जो डिग्गी बोलते हैं बेसिकली, देसी भाषा में डिग्गी बोलते हैं और अगर मैं विदेशी भाषा बोलूँ तो साइड बॉक्स बोलते हैं। तो साइड बॉक्स की अनबॉक्सिंग के लिए काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं मुझे। तो आज मैंने सोचा आपको साइड बॉक्स के ऊपर एक वीडियो बना के दी जाए और दिखाया जाए कि आप जो है ओरिजिनल साइड बॉक्स सस्ते में, मतलब कम से कम में ओरिजिनल साइड बॉक्स किस कंपनी में खरीदें। तो हमने यहाँ पर भाई स्टड कंपनी का साइड बॉक्स लिया हुआ है। अगर आप लोग हेलमेट यूज़ करते हैं स्टड कंपनी का, तो आपको पता होगा कि स्टड जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है हेलमेट के मामले में। एक से एक महंगा हेलमेट भी मिल जाएगा आपको स्टड में, एक से एक सस्ता हेलमेट भी मिल जाएगा और सभी, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, ट्रस्टेड हेलमेट सारे ISO सर्टिफाइड होते हैं। और ISO सर्टिफाइड हेलमेट पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि एक्सीडेंट होगा तो आपका सर जो है बचेगा जल्दी से, वो टूटते नहीं है। तो वहीं हमने सोचा कि साइड बॉक्स आपको स्टड कंपनी के ही दिखाए जाएँ। स्टड कंपनी के वैसे साइड बॉक्स बहुत महंगे भी आते हैं, बट हमने लिया एक बजट साइड बॉक्स जो एक, मतलब कोई भी अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करा सकता है। आप चाहो तो 100cc की बाइक में भी इंस्टॉल करो, चाहे 150cc की बाइक में इंस्टॉल करो, यूनिवर्सल साइड बॉक्स है। चाहे आप कोई सी भी गाड़ी हो, आप उसे फिट कर सकते हो। और आज हम इसका क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे, इसके अंदर की क्वालिटी कैसी है, मतलब गिरने से टूटेगा या नहीं टूटेगा, छोटी मोटी चोट लगने से कुछ होगा या नहीं। होता क्या ना, कई लोग जो है लोकल साइड बॉक्स यूज़ करते हो, सही बताऊँ मैं आपको, 500-600 रुपये में लोग लोकल लगवा लेते हैं, 400-500 रुपये तक में लोकल साइड बॉक्स लोग लगवा लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि जेनुइन साइड बॉक्स सस्ते आते हैं। तो आज हम आपको जेनुइन साइड बॉक्स दिखाएंगे स्टड कंपनी का, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं यूज़ कर रहे उन्हें आज पता लग ही जाएगा। तो भाई, वो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये हमने भाई स्टड कंपनी का साइड बॉक्स, हमारे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, बस हमने सोचा कि आज यार इसकी वीडियो बना दी जाए और आपको दिखा दी जाए। तो यहाँ पर भाई हमारे पास इसका जो प्राइसिंग है उसे देख लेते हैं एक बार कि प्राइस वगैरह जो है इसका क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको MRP है इसकी, देख लेते हैं कितनी है MRP। भाई MRP है इसकी 995 रुपये, ऑलमोस्ट 1000 MRP है इसकी, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। क्वांटिटी 1 पीस, कंटेंट 100cc, सुपर बॉक्स विद यूनिवर्सल फिटमेंट क्लैंप्स। तो इसका जो मतलब है वो है यूनिवर्सल फिटमेंट क्लैंप्स, मतलब है कि आप इसे किसी भी 100cc की नॉर्मल बाइक में लगा सकते हो। और मेरा कहना ये कि आप इसे 100-150cc में लगा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 15 दिसंबर 2021। बहुत दिन से पड़ा हुआ था, हमने सोचा आज आपको इसकी वीडियो बना के दिखाई जाए। तो कलर है ब्लैक, ब्लैक कलर का ही सबसे बेस्ट होता है मेरी नज़र में। भाई मैं तो मानता हूँ कि जब भी साइड बॉक्स किसी भी बाइक, चाहे कोई सी बाइक, वैसे तो लोग ज़्यादातर ब्लैक कलर की बाइक खरीदते हैं, उस पर स्टिकर बेशक कोई से भी कलर के आ सकते हैं, पर ब्लैक कलर का साइड बॉक्स किसी भी ब्लैक कलर की बाइक पे या फिर किसी और भी कलर की बाइक होगी तो उस पर जच जाता है। आप आराम से उसे मतलब फिट कर सकते हो, अच्छा भी लगेगा, खूबसूरती में भी चार चांद लग जाते हैं। नॉर्मल कई लोग होते हैं, भाई मुझे जिस कलर की बाइक है उसी कलर का साइड बॉक्स चाहिए, तो भाई वो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिल भी जाते हैं और कलर के साइड बॉक्स। लोकल में तो आजकल बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, पर लोकल साइड बॉक्स यहाँ पे हमने देखा इसकी 995 MRP, डिस्काउंट करने के बाद लगभग आपको ये 780-790 रुपए के आसपास का पड़ेगा ये साइड बॉक्स। यानी मतलब हम एक वर्बली अमाउंट मान लेते हैं 800 रुपए, डिस्काउंट करने के बाद 800 रुपए का साइड बॉक्स पड़ेगा ये। अगर आप लोकल साइड बॉक्स 550-650 तक का भी डलवाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। मैं बस यही कहूंगा कि जब आप 550 रुपए लोकल साइड बॉक्स में खर्च कर सकते हैं तो आपको जेनुइन साइड बॉक्स खरीदना चाहिए। 250 रुपए और मिला के ये आपके लोकल साइड बॉक्स से 4 गुना ज़्यादा चलेगा। क्वालिटी कितनी अच्छी है ये अभी हम इसको पटक कर देखेंगे, ज़मीन पे गिराएंगे और चेक करेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, देखते हैं टूटता या नहीं टूटता। टूट गया तो मेरा नुकसान है, परंतु आपको पता तो लगेगा कि हाँ क्वालिटी कैसे, नहीं टूटा तो फिर भाई मुझे जहाँ तक लगता है टूटेगा तो नहीं, पर टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपके लिए एक साइड बॉक्स कुर्बान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसे जल्दी से निकाल लेते हैं और देखते हैं कितना प्यारा साइड बॉक्स है। वैसे स्टड का ये मैंने यूज़ किया है पहले और मुझे स्टड के अंदर यूनिवर्सल साइड बॉक्स में अगर मैं बोलूँ तो स्टड के अंदर यूनिवर्सल साइड बॉक्स में सबसे प्यारा साइड बॉक्स लगता है ये। बिल्कुल छोटा स्लिम, मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एवरेज साइड बॉक्स है और हमारा देखने में भी अच्छा लगता है। और मैट ब्लैक जो है इसका वो कलर है, आप सोचें कि ग्लॉसी ब्लैक है, ग्लॉसी ब्लैक नहीं है, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, मैट ब्लैक कलर है ये, देख पा रहे हैं। तो ये देख लेंगे आपको पूरा कलर जो है बिल्कुल डिटेल में हम दिखा देते हैं,
और मैट ब्लैक कलर के साथ साथ इसकी जो फिनिशिंग है, यहाँ पर स्टड जो लिखा हुआ है ये इसकी फिनिशिंग में चार चांद लगा रहा है, तो यहाँ पे सीधा हो जाता है ये स्टड, देख लीजिए एकदम अलग ही लेवल की क्वालिटी है। ये इग्निशन इसका है, इग्निशन बोलो या इसे साइड बॉक्स का लॉक कह लो आप इसे, मोटरसाइकिल में यहाँ पे स्टड ने एक स्टिकर भी लगाया हुआ है अलग से एक्स्ट्रा, जो भाई इस पे स्टड लिखा हुआ है अलग, अगर आप इसे अंदर से देखोगे तो ये चमकता है स्टड, खैर आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, पर है ये स्टड का। यहाँ पर भाई डिग्गी का जो इसकी साइड बॉक्स का जो फ्रेम है वो सिंगल फ्रेम का है, और यहाँ पर भाई इसमें कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, बड़ा विचित्र डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन, और क्लैंप वगैरह इसके अंदर देखते हैं। अभी बॉक्स के ऊपर लिखा होता है क्लैंप भी निकलते हैं इसमें, तो इसे ओपन करते हैं भाई। अब ओपन करने के लिए इसकी चाबी जो है वो हमें चाहिए, अब चाबी कहाँ है ये देख लेते हैं कि साइड बॉक्स की चाबी, साइड बॉक्स से ये हमारी आ गई चाबी जो कि साइड बॉक्स के बॉक्स में थी। अब इस चाबी पे भी लिखा हुआ है, देखो स्टड लिखा हुआ है दोनों तरफ, आप इधर देखोगे तो स्टड और इधर भी देखोगे तो भी स्टड लिखा हुआ है। तो भाई स्टड की जेनुइन चाबी इसके साथ है, ओपन करते हैं इसे, बड़े प्यार से ओपन हो जाएगा ये और एकदम से ओपन होते ही भागेगा खुल के। भाई स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर, जितना मर्जी कर लो ऑटोमेटिकली जाएगा। स्प्रिंग इसलिए लगी हुई है कि आपको जब गाड़ी के अंदर इसे में कुछ रखना हो और निकालना हो तो आपको एक हाथ से यूँ पकड़ना ना हो और एक हाथ से यूँ बंद ना करना हो, तो बस जैसे छोड़ोगे ऊपर चला जाएगा ऊपर, और जैसे पुश करके इसे लॉक करोगे लॉक हो जाएगा। तो भाई ये हमारा हो गया साइड बॉक्स का लॉक, अब इसे खींचते ही हल्का सा छोड़ते ही ये पुश होके भाग जाता है। अब यहाँ पे आते हैं इसकी फिटिंग के ऊपर, ये फिटिंग है और ये भाई साइड बॉक्स के साथ हमें एक कीचेन भी मिला हुआ है जो कि खुद स्टड का है और जिसमें हम दोनों कीज जो हैं इसकी संभाल के रखेंगे, मतलब लगा देंगे, तो स्टड का कीचेन इसके साथ फ्री है साइड बॉक्स के साथ ही। और यहाँ पर भाई जो है अंदर स्टड ने अपना क्वालिटी टेस्ट इंस्पेक्टेड बाय जो भी है जिसने सिग्नेचर किए हैं वो, और डेट वगैरह सारी ओके टेस्टेड का मोहर वोहर सब जो है लगाया हुआ है इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है भाई, क्वालिटी टेस्ट होके पैक हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी टेस्ट हो, और क्वालिटी टेस्ट ना हो तो भाई गाड़ी के अंदर जब ये फिट हो जाए कस्टमर को मिले और कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकला तो परेशान हो जाते। ये भाई इसके साथ क्लैंप है जो 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 क्लैंप इसके साथ जो है वो फ्री आई हुई है। नहीं तो होता क्या, लोकल जो हमारे साइड बॉक्स होते हैं उनके अंदर शायद 2 या 3 क्लैंप ही फ्री आती है, अलग से कुछ क्लैंप ऐसे होते हैं जो हमें परचेस करनी पड़ती है अलग से, वो फिर हमें और भी महंगा ही पड़ जाता है भाई फिटिंग का अलग, तो फिटिंग का तो खैर इसका भी लगेगा अलग से, परंतु उसके अंदर पत्तियों के भी आपको क्लैंप के भी अलग से पैसे देने पड़ जाते हैं। पर इसमें इतनी सारी क्लैंप इन्होंने दे दी है कि आप इसे जैसे मर्जी लगा लो आपको ये इनफ हो जाएगा, कम नहीं पड़ेंगे क्लैंप। तो भाई अब आते हैं इसकी क्वालिटी टेस्ट पे, अब इसे हम लेंगे और ज़मीन पे फेंक के देखेंगे आपके सामने और चेक करेंगे कि ये टूटता है या नहीं टूटता, तो इतनी ऊंचाई से हम इसे चेक करेंगे। तो हमने भाई फेंक दिया, आवाज़ आ गई होगी बहुत तेज आपको, अब बारी है देखने की हम अभी, और भैया टूट गया क्या, तो चलिए भाई दिखाते हैं आपको टूटा या नहीं टूटा, देख लीजिए साइड बॉक्स पे एक बार दोबारा से आपको पूरा कैमरा घुमा के दिखाते हैं। देखो जबरदस्त क्वालिटी है इसकी और टूटा नहीं है भाई, इतनी तेज़ी से पटक लिया और मज़ा आ कि टूट जाए। और वहीं अगर मुझे जहाँ तक लगता है अगर मैं इसकी जगह लोकल साइड बॉक्स को कहीं मतलब फेंकता ना इतनी दूर से, तो उसके अंदर भाई बहुत तगड़ा जो है दरार आ जाता और ये टूट जाता। तो यही खासियत होती है जेनुइन और लोकल प्रोडक्ट की कि लोकल प्रोडक्ट जो है उसकी कोई लाइफ नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। अगर लोकल साइड बॉक्स होता तो गाड़ी हल्की सी अगर गिरती साइड बॉक्स की तरफ हल्की सी चोट में तो उसमें भी वो टूट सकता था, और जेनुइन जो है वो चलता है। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वाकई में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।